हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेट टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 15 यानी 15th लेसन। तो अभी तक हमने क्या सीखा था? पूरी पुस्तक में हमने शब्द बनाना सीखा था, दो वर्ण वाली शब्द पढ़े थे हमने, तीन वर्ण वाली शब्द पढ़े थे, चार वर्ण वाले भी शब्द हमने पढ़ा था। उसके आगे हमने क्या पढ़े थे? मात्राएं वाले शब्द पढ़े थे। उसके साथ साथ हम वाक्य बनाकर भी हमने पढ़ना सीखा था, यानी सेंटेंस को किस तरह पढ़ते हैं हमने सीखा था। अब हम कुछ यानी मस्ती करेंगे, यानी कविताएं पढ़ेंगे अब, ठीक है? अब हम कविताएं पढ़ेंगे, हम पार्ट नंबर 15 में कविताएं सीखेंगे। तो देखिए, मातृ ज्ञान कविता, तो यहाँ पर भी हमें मातृ ज्ञान कविता, तो मातरों के साथ हम कविता पढ़ेंगे। चलिए शुरू करूँ। हाँ, आ के अलावा जब व्यंजन में मिलती तभी का मा ला का कमल बनता। आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर करता तल को ताल। ई व्यंजन को आगे छतरी बनाकर तल को करती तिल। ई व्यंजन के पीछे खड़े होकर करता हाथ को हाथी। ऊ व्यंजन के पैर में रहता पल को पुल बनाता। ऊ व्यंजन को पैरों में झुककर चाह को चाहू बनाता। तो देखिए फिर से। आ अकेला जब व्यंजन में मिलता तभी कामाला का कमल बनाता। आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर करता तल को ताल। ई व्यंजन के आगे छतरी बनकर तल को करता तिल। ई व्यंजन के पीछे खड़े होकर करता हाथ को हाथी। ऊ व्यंजन के पैरों में रहता पल को पुल बनाता। ऊ व्यंजन के पैरों में झुककर चाह को चाहू बनाता। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों, आ अकेला जब व्यंजन में मिलता, यानी आ अक्षर आ, तो छोटी आ की मात्रा क्या है? आड़ी रेखा, राइट? छोटी आ की मात्रा क्या है? आड़ी रेखा। तब ये आ व्यंजन, ये कोई व्यंजन से मिलता, व्यंजन यानी का ख ग ग इनिया, सॉरी खा ख ग ग इनिया, अच्छा अच्छा, तो वो है व्यंजन। तो जब ये आ की मात्रा व्यंजन से मिलती है तभी क्या होगा? का मा ला को क्या बनाता? कमल बनाता, ठीक है? ये मात्रा हमने किस पर लगाई थी? व्यंजन पे, का पे, मा पे, ला पे, ठीक है? का पे, मा पे, ला पे हमने आ मात्रा की मात्रा लगाए थे। तो क्या बना दिया इन्हें? कमल बना दिया, यानी शब्द कमल को जोड़ दिया, ठीक है? आगे देखिए, आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर करता तल को ताल। अब क्या होगा? बढ़िया की मात्रा, ठीक है? बढ़िया की मात्रा यानी अल्फाबेट लेटर टी, अल्फाबेट लेटर टी। तो आ बढ़िया की मात्रा, आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर करता हो ताल को ताल। तो ये मात्रा जो सिंबल है ये किसी व्यंजन के साथ, यानी ताल, ताल है यहाँ, ता ला दो भी व्यंजन है, सही है? तो ये किसी के साथ खड़ा हो रहा, ये अक्षर यानी वो अक्षर के साथ खड़ा होकर उसका अर्थ बदलाएगा। जैसे कि ताल को क्या करेगा वो? ता को बढ़िया की मात्रा ता हमने यहाँ इस्तेमाल किया, और ला क्या हुआ? ताल बन गया। तो इन्हें क्या करा था? तल से ताल बना दिया। तो देखिए फिर से एक बार, आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर तल को ताल बनाता, ठीक है? इस तरह हमें पढ़ना है। आगे देखिए, ई व्यंजन के ऊपर आगे छतरी बनकर तल को करती तिल। ई छोटी की मात्रा क्या है? हमने कैसा सिंबल रखा था? हाँ, अल्फाबेट लेटर एफ की तरह रहता वो, ठीक है? अल्फाबेट लेटर एफ। तो ई व्यंजन को आगे छतरी बनकर
ताल को क्या बनाएंगी फिर? तिल बनाएगी। तो ये दो भी व्यंजन है, ता भी व्यंजन है और रा भी व्यंजन है। मैंने क्या कहा? व्यंजन यानी काटुज्ञा, काटुज्ञा। तो ता और ला दो भी व्यंजन। तो ई क्या कर कर छतरी बनता, क्या बनता? छतरी यानी अम्ब्रेला। इस तरह जैसा अम्ब्रेला कवर कर देता है ना, उस तरह ई छोटी की मात्रा किसी व्यंजन को यानी किसी अक्षर को छतरी की तरह कवर कर देता है। तो क्या बनाएगा वो? तल को तिल बनाएगा, तल को तिल बना देता, यानी तल का तल यानी कुछ अर्ध नहीं है, तिल अर्ध है। तिल यानी जो अपन खाते समय यूज करते हैं, यानी अपने पकवान में कुकिंग में यूज करते हैं, वो है तिल। तो तल को क्या बनाएगा? शब्द तिल बना दिएगा। तो फिर से एक बार देखिए, ई व्यंजन को ई व्यंजन के आगे, व्यंजन के आगे यानी इन फ्रंट ऑफ द लेटर, व्यंजन के आगे छतरी बनकर तल को तिल बना देता। ई व्यंजन पीछे खड़े होकर करती हाथ को हाथी। तो बड़ी की मात्रा क्या है? हाँ, रिवर्स एफ, ठीक है, रिवर्स एफ। तो इन्हें क्या करता? जैसा इनने ये सिंबल क्या करा था? सामने यानी आगे ठहरा था, इन फ्रंट ऑफ द लेटर। तो ये रिवर्स है यानी ये बैक साइड ऑफ द लेटर, ठीक है, रिवर्स है यानी पीछे, बैक साइड ऑफ द लेटर। तो देखिए, ई व्यंजन के पीछे खड़ा होकर करता हाथ को हाथी। तो किस तरह हाथी बनाएगा? जब ये सिंबल यानी ये मात्रा किसी व्यंजन या किसी अक्षर को पीछे की तरफ से, ठीक है, रिवर्स साइड यानी बैक साइड ऑफ द लेटर में ये मिला दिया तो क्या होगा? हाथी बना दिया इन्हें। हा को बढ़िया की मात्रा, हा था को बैक साइड, हाँ था को बड़ी की मात्रा थी, हाथी। तो ये क्या, किस तरफ आया? बैक साइड ऑफ द लेटर, ही स्टैंड्स लाइक बैक बोन ऑफ द लेटर। तो इस तरह हमने पढ़ा था। आगे देखिए, उ व्यंजन के पैरों में रहता। उ की मात्रा कहाँ रहती? पैरों में यानी फूट। उ की मात्रा किस तरह रहती आप देखे थे ना? हाँ सही है, उ की मात्रा इस तरह रहती, छोटी उ की मात्रा। तो वो कहाँ रहती? व्यंजन के पैर में यानी अक्षरों के पैर में। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ? यहाँ पाला पल लिख रही हूँ, ठीक है, पाला पल लिख रही हूँ। अगर मैं इस उ व्यंजन को पा के नीचे यानी पा के पैरों में लगा दूंगी ना, वो बन जाएगा पुल। क्या बन जाएगा? पुल। पुल ब्रिज कर कर हमने पढ़ा था ना, उ की मात्रा वाली शब्द में, हाँ वही है। तो उ क्या करेगा? उ व्यंजन के पैरों में रहता। पा के पा भी एक व्यंजन है, एक अक्षर है, तो उन्हें पैरों में यानी फूट में है ना, हाँ पल को पुल बनाता। आगे लाइन देखिए, उ व्यंजन के पैरों में झुककर चाक को चाकू बनाता, यानी उ बड़ी उ की मात्रा, उ बड़ी उ की मात्रा आपको मालूम है ना, हाँ यही बड़ी उ की मात्रा है। तो ये क्या करता? व्यंजनों में पैरों में झुक जाता, यानी इसने तो पैरों में है, ये झुक जाता पैरों के नीचे से, यानी पैरों में से झुक जाता। जैसे कि चाक को क्या बनाता उसने? चाकू बनाता। आप देखिए कैसा झुक रहा है ये, चा को बढ़िया की मात्रा चा, का को बड़ी उ की मात्रा कू, ठीक है, झुकना यानी गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स चले जाता, ठीक है, चाक को चाकू बनाता। फिर से एक बार देखिए, उ व्यंजन पैरों में झुककर यानी गोइंग डाउनवर्ड्स चाक को चाकू बनाता, चाकू यानी नाइफ। तो इस तरह
आप मात्राएं की कविता पढ़ी थी, फिर से एक बार देखिए, मेरे साथ भी आप दोहराइए। आ अकेले जब व्यंजन में मिलता, तभी का माला का कमल बनाता। आ अकेले आ व्यंजन के साथ खड़ा होकर करता तल को ताल। ई व्यंजन को आगे छतरी बनकर तल को करती तिल। ई व्यंजन के पीछे खड़ा होकर करती हाथ को हाथी। उ व्यंजन के पैरों में रहता पल को पुल बनाता। ऊ व्यंजन के पैरों में झुककर चाक को चाकू बनाता। तो ऊ से आ से ऊ की सभी मात्राएं अब हम सीख गए। और आगे की मात्राएं के लिए नई किताब में पढ़कर उसके पाएंगे हिंदी ज्ञान। वहां से नई किताब में हम पढ़कर इसका हिंदी ज्ञान। तो हमने कहां से कहां तक सीख लिया है? आ से लेकर ऊ के मात्रा की कविता हमने सीख ली है। ठीक है, आपको समझ में आया ना? आगे देखिए दूसरी कविता में। हाँ, आपके पुस्तक में देखिए। चिम चिम चुर चुर करती चिड़िया, फुर 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 उड़ती चुड़िया। फुदक फुदक कर बाहर आती, मधुर मधुर वह गाना गाती। कुतुर कुतुर कर दाना खाती, सुबह सुबह वह चहक चहक कर तुम सभी को जगाती। अच्छा है ना, आपको पसंद आया? हाँ, तो देखिए क्या कर रहा। चिम चिम चुर चुर करती चुड़िया। क्या करती है चुड़िया? चिम चिम चुर चुर। क्या क्या आवाज निकालती है चुड़िया? चुर 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 आवाज या चिम 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 की आवाज, मतलब एक एक पक्षी की एक एक आवाज रहेगी। फुर 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 उड़ जाती। क्या नहीं? उड़ जाना यानी फ्लाई। तो किस तरह? फास्ट, फुर 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 फुर, जैसे कि हम देखते देखते कि वो निकल जाती। फुदक फुदक कर बाहर आती। ठीक है, फुदक फुदक कर बाहर आती, यानी उसे बहुत डर रहता ना, कहीं कोई ना पकड़े मुझे, कोई सताए ने, तो वो फुदक फुदक कर देख देख कर बाहर आती। मधुर मधुर वह गाना गाती। मधुर मधुर यानी स्वीट वॉइस से, यानी उसकी स्वीट आवाज़ से वो गाना गाती। कुतुर कुतुर कर दाना खाती। तभी भी चिड़िया दाना खाएंगे ना, आवाज़ आ रही ना, कुतुर कुतुर की आवाज़ आती ना, हाँ वो कुतुर कुतुर कर दाना यानी फूड लेती। सुबह सुबह वह चहक चहक कर तुम सबको जगाती। मॉर्निंग मॉर्निंग अपने सबको वो डिस्टर्ब कर कर जगा देती, यानी वेकअप करा देती। ठीक है, उसके आवाज़ों से, उसके खानों यानी उसकी आवाज़ की ध्वनि से, यानी वो जब गाना गाती है, वो जब उड़ती है, तो उसकी आवाज़ बहुत अलग रहती। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। चिम चिम चुर चुर करती चिड़िया, फुर 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 उड़ती चिड़िया। फुदक फुदक कर बाहर आती, मधुर मधुर वह गाना गाती। कुतुर कुतुर कर दाना खाती, सुबह सुबह वह चहक चहक कर तुम सबको जगाती। तो वो अपने को डिस्टर्ब कर कर भी अपने सुबह जल्दी वेकअप करा देती, यानी उठा देते। और बहुत सारे आवाज़ आते, यानी चिड़िया की एक आवाज़ नहीं रहती ना, बहुत सारे आवाज़ रहते। ठीक है, हर पक्षी की यानी अलग अलग आवाज़ रहती। इसी तरह दो तीन चिड़ियाँ कहीं अलग अलग आवाज़ करते रहते। तो वो है कविता चिड़िया के ऊपर। ठीक है, आप भी इसका दोहरा यानी घर पर उच्चारण यानी अभ्यास भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए दूसरी तीसरी कविता। ऊंचा रहे हमारा झंडा, तीन रंग का प्यारा झंडा। हमारे जान से प्यारा झंडा, कभी ना झुकने वाला झंडा। सब धर्म से ऊंचा झंडा, वीरों का हर्षता झंडा। सबको एक बनाता झंडा, भारत का यह प्यारा झंडा। तो वो अपना नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स है? 3 कलर्स। व्हाट आर दोस? क्या क्या है वो?
हाँ, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन। तो हिंदी में सैफ्रॉन को क्या कहते हैं? केसरिया। केसरिया को हिंदी में सैफ्रॉन को हिंदी में केसरिया कहते हैं। सफ़ेद, सफ़ेद यानी इंग्लिश में वाइट, वाइट कलर को सफ़ेद कहते हैं। ग्रीन कलर को हरा रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा। ठीक है, तो इस तरह तीन रंग यानी तिरंग झंडा। तो ये देखिए, आगे देखिए कविता का अर्थ, ऊंचा रहे हमारा झंडा। ऊंचा यानी हमारा अपना झंडा यानी अपना फ्लैग बहुत ऊंच लेवल पे यानी हाईएस्ट लेवल पर रहना हम मानते हैं। तीन रंगों का प्यारा झंडा। कितने रंगों का? तीन रंगों का यानी ट्राई कलर्स। हमारे जान से प्यारा झंडा, ठीक है, यानी हम उसे कितना वो मानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत मूल्य मानते हैं अपने झंडे को। ठीक है, अपने जान से यानी अपनी लाइफ से भी, अपनी देशभक्ति के सामने हम इसे बहुत मूल्य मानते हैं। कभी ना झुकने वाला झंडा यानी वो कभी नहीं झुकेगा, यानी वो कभी भी यानी उसका जो लेवल, स्टेटस ऑफ लेवल रहेगा वो कभी नहीं उतरेगा। सब धर्मों से ऊंचा झंडा यानी यहाँ धर्म वो ये कहकर कैस्ट फीलिंग क्रीड रहता ना, वो सब से भी ये झंडा बहुत ऊंचा है यानी वो वही झंडा जो पूरे धर्म को मिलाता है। ठीक है, इसमें कोई यानी डिस्क्रिमिनेशन या कोई विभाग नहीं करता, वो झंडा सब धर्मों वालों को वो एक कर कर रखता है। वीरों को हर्षाते झंडा। वीर कौन है? वीर जो देश के लिए त्याग करते ना, उनको हम क्या कहते? वीर। तो किसके? उन लोगों को हम रिप्रेजेंट यानी उन लोगों को हम बताते हैं झंडा। तो हमारे वीरों को हम बताना चाह रहे हैं, तो हम हमारे झंडे में यानी उस इंडिया के लिए, जो अपने इंडिया देश के लिए जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, हाँ, तो ये फ्लैग में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबको एक बनाता झंडा। क्या करता झंडा? सभी इंसानों को जितने भी भेदभाव हैं उन सबको एक बनाता है वो। ठीक है, उन सबको एक कर कर यानी हम सब एक देश वाले हैं कर कर वो रखता है। भारत का यह प्यारा झंडा। भारत देश का ये एक प्यारा झंडा। ठीक है, झंडा यानी फ्लैग, भारत यानी इंडिया। ठीक है, इस तरह वीर यानी फ्रीडम फाइटर्स, धर्म यानी धर्म को हम क्या कहते हैं? कैस्ट। ठीक है, इस तरह प्यार यानी लव। इस तरह आप इसमें कठिन शब्द को समझने की कोशिश करिए। तो हमारे झंडे को हम हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि तब भारत देश को ब्रिटिश के लोग परिपालन करते ना, तो उस समय भारत देश के लोग बहुत परेशानियों से यानी बहुत हार्डवर्क से या बहुत यानी उनके अंदर गुलाम, उनके साथ गुलामदारी करते यानी उनको हम एज ए वर्कर के जैसा, हम अपने देश में यानी लेबर्स की तरह हमने अपने देश को जीतने के लिए नहीं यानी इंडिपेंडेंस पाने के लिए लेबर की तरह उनके ब्रिटिशर्स को हमने काम कर कर दिया था। तो जितने भी सोल्जर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, आज के जो सोल्जर्स भी हैं वो क्यों करते हैं इतनी मेहनत? अपना झंडे का जो स्टेटस ऑफ लेवल यानी अपना झंडा जो ऊंची स्थाई पर है ना, वो कभी कम ना होने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। आपने देखा था जब भी सोल्जर्स की डेथ हुई तो किसमें कवर कर कर लाते हैं? फ्लैग। तो उनको फ्लैग में यानी हम उनके जो भी मेहनत यानी जो भी हार्डवर्क वो लोग देश के लिए बॉर्डर्स पर रह कर करते हैं ना, हम उस झंडे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उनके हार्डवर्क को। तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम हमारी झंडे की स्थान
ऊंची करने के लिए, यानी जो ऊंचे लेवल पर हैं वही कांस्टेंट रखने के लिए कर रहे हैं। तो आपका भी, यानी आप आज भारत देश में रहने के नागरिकता, यानी इंडियन सिटीजनशिप आप भी है ना, यानी आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। आप भी उसे हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। और आप यहाँ पर झंडा क्या रिप्रेजेंट करता है, तीन रंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी किस लिए, सबको, यानी यहाँ पर मत भेद धर्म ये कैस्ट क्रीड ये रेसिज्म नहीं रहने के लिए, यानी हम हिंदू हैं आप मुसलमान हैं ये सिख है इस तरह आप क्रिश्चियन हैं, ये जो कैस्ट है वो हम बना लिए थे, ठीक है, हम बना लिए थे, मनुष्य बनाया था, ठीक है। तो वो उन लोगों के बीच जो दूरी यानी वो गैप को फिल करने के लिए ये झंडे में तीन रंग दिए गए थे, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन। तो तब ये तीन रंग मिलजुल कर रहेंगे तभी देश, यानी देश सुरक्षित रहेगा। तो अपने देश के लिए लड़ने समय हम देखेंगे क्या, ये दूसरे जात का है, ये दूसरे मत का यानी दूसरे धर्म का है, हम ये नहीं सोचेंगे ना। तब अपने देश के लिए लड़ने समय हम क्या करते हैं, पूरे मिलकर एक साथ मिलकर लड़ते हैं, सही है। हाँ, तो इसमें ये थ्री कलर्स में वही रिप्रेजेंट करता कि हम भी इस तीन कलर के तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने देश को ऊंचे स्थान पर रखने के लिए हम इस तीन कलर की तरह यानी ये तिरंग झंडे की तरह हम मिलकर रहना चाहिए। एज ए इंडियन सिटीजनशिप आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आज से आप भी अपने झंडे को गौर से यानी ऊंची स्थान पर रख कर उसको यानी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना आपका काम है। तो बच्चों, आपको इस कविताएं पसंद आई, तो चलिए अगले पार्ट में यानी नए पार्ट से मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, बाय।